रोल हमारी एक्टिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से भी नहीं मिलता, रोल परसेप्शन के हिसाब से मिलता है। गर्लफ्रेंड्स एंड शूज एंड क्लोथ। एक्टर बनना आसान नहीं है क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद मिलती है फेम, सक्सेस और जुड़ जाते हैं कई सारे स्कैंडल्स भी। वेल, फेम सक्सेस तो हम सब जानते हैं और इस बार जुड़ चुके हैं कुछ स्कैंडल्स। आज मेरे साथ हैं गौरव चोपड़ा, जिन्होंने राणा नायडू में एक बहुत ही अच्छा रोल किया है और सीरीज भी काफी सक्सेसफुल हो चुकी है। इन स्कैंडल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले टीवी 9 ग्रुप में गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सो गौरव, आपने एक ऐसे एक्टर का रोल प्ले किया है जो स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। सो जब आपने स्क्रिप्ट को साइन किया तो क्या मन में थोड़ी हिचक थी? हिचक से ज्यादा एक्चुअली एक मुद्दा था। बहुत वक्त से मैं चाह रहा था कि एक यू नो व्हेन यू बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, थोड़ा अरसा हो जाता है एक एक्टर को, तो उसे ऑन स्क्रीन देख देख के एक परसेप्शन बन जाती है। फिर हम धीरे धीरे उसी परसेप्शन जैसे रोल्स ही करते रहते हैं और फिर वो एक आपका बंधा बंधाया सा सुर हो जाता है, टू से द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, सिमिलर टाइप के रोल्स। मैं चाह रहा था कि एक थोड़ा वक्त हो गया और अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम कुछ अलग करके दिखा सकें ऑडियंस को और इंडस्ट्री को भी। तो जब ये रोल ऑफर हुआ तो ये सुनने में वैसा था। ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऐसी बातें थी जिनके बारे में सोचना पड़ा कि वो ऑन स्क्रीन करते वक्त कैसा लगेगा और मेरी लॉयल ऑडियंस क्या कहेगी, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। पर मुझे लगा कि एज एन आर्टिस्ट मुझे इस बात पे सच्चाई से अटल रहना चाहिए कि मैं एक रोल निभा रहा हूँ और उसे मैं कितना अच्छा निभा सकता हूँ बिना हिचके हुए और बिना संकोच के, वो जरूरी था। एंड गौरव, मैंने आपके एक इंटरव्यू में ये भी पढ़ा कि आई हैव नो एप्रिहेंशंस व्हेन इट कम्स टू बोल्ड स्टफ ऑन स्क्रीन, आई नो हाउ इट इज। तो वाकई में जब कुछ ऐसा आप स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं तो किसी से राय लेते हैं, परमिशन लेते हैं, क्या आपके दिमाग में होता है? नहीं, नहीं, किसी से नहीं, खुद से। क्योंकि इवेंचुअली अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी डाउट है या हिचक है या मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो वो दिख जाएगा या उस परफॉर्मेंस में कमी हो जाएगी। जब आपने सोचा एक्टर बनने का, क्योंकि मैं बोलूंगी कि एक्टर बनना वाकई में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, संघर्ष है, ये लड़ाई शायद पहले घर से शुरू होती है फिर यहाँ पर आगे खत्म होती है, क्या आपके दिमाग में कुछ चीजें थी यार ऐसे स्कैंडल से मैं हमेशा बच के रहूंगा, चाहे वो कोस्टार सीलिंग कप्स है या कुछ भी और, क्या आपने ऐसे सोचा कि भगवान मुझे इनसे बचा के रखना? नहीं नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं। इनफैक्ट जब पहली बार एक्टर बनने की बात कही तो बहुत बहुत डर के कही, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया, बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम दिया, वहाँ से भी कुछ जॉब ऑफर्स आने लगी और अचानक ये कहना कि ये सब छोड़ छाड़ के, मैं पढ़ाई में अच्छा था और आप सबको मुझसे ये उम्मीदें हैं और मुझे भी खुद से वो उम्मीदें हैं, पर ये सब छोड़ छाड़ के मैं अब बम्बई चला जाऊँगा और मैं कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करूँगा, वो थोड़ा सा मैं 90s किड तो उस वक्त दिल्ली में इतना कंफर्टेबल नहीं था, ये रियलिटी शोज़ अभी तक नहीं आए थे, लोगों ने अपने बच्चों को ये रास्ता अभी तक यू नो नहीं दिखाया था। एंड फॉर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो इट वॉज लाइक पागल हो गया तुम, ये तुम सब छोड़ छाड़ के ये सब चले जाओगे, लाइफ में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद तुम क्यों छोड़ रहे हो ये सब। तो हाँ, मुश्किल थी। प्लस डेली में ऐसे किस्से सुनने को मिलते थे कि अरे कोई चला गया हीरो बनने या हीरोइन बनने, फिर किसी के चंगुल में फंस गया, फिर बहुत सारे पैसे ले लिए गए या किसी को आप फंसे किसी के चंगुल में? नहीं, मैं चंगुल में फंसाने वालों में से हूँ, फंसने वालों में से नहीं। और मुझे सच बताऊँ तो इस बात का इल्म यहाँ आने के बाद तक भी नहीं था। जब मैं यहाँ आया और कुछ अपने कंटेम्प्रेरीज, दूसरे जो नए फ्रेश एक्टर्स थे जो सब मिलकर स्ट्रगल करते थे, जब उनसे बात की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं थोड़ा अलग हूँ। ये लोग बैठकर बहुत एक्साइटमेंट में बात करते थे कि यार वो परफ्यूम कौन सी लगाता होगा या वो उसकी गाड़ी कौन सी होगी, गर्लफ्रेंड्स एंड शूज एंड क्लोथ्स एंड And I suddenly realized, मैंने कभी सोचा ही नहीं इन सब बातों के बारे में। क्योंकि आप भी एक एक्टर हैं एंड वाकई में क्या एक्टर की एक ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा लाइफ में इतना फर्क होता है? बहुत फर्क होता है और इस हिसाब से उन लेयर्स को थोड़ा और अच्छे से दिखाना या उन्हें थोड़ा अंडरलाइन करना मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो मेरे ही प्रोफेशन का है, हालांकि मुझसे बहुत बड़ा स्टार है, पर ये बात ऑडियंस को बताना कि हम अपनी ही परसेप्शन,
अपनी ही इमेज, अपने ही स्टारडम के पिंजरे में कैद होते हैं और हम हर चीज़ वो हमें करनी पड़ती है या हमसे वो उम्मीद लगाई जाती है जैसा परसेप्शन आपके बारे में है. इनफैक्ट अगर मैं सच कहूँ तो एज एन एक्टर हमें रोल हमारी एक्टिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से भी नहीं मिलता, रोल परसेप्शन के हिसाब से मिलता है. अगर आपके बारे में ये परसेप्शन है कि आप अच्छे एक्टर हैं तो फिर आपको वैसे रोल्स मिलते हैं चाहे आप उतने अच्छे ना भी हों. और अगर आपके बारे में परसेप्शन है कि आप ठीक ठाक हैं जबकि एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो आपको ठीक ठाक रोल्स ही मिलते हैं. सो एट सम लेवल ये परसेप्शन का खेल जो है वो कभी कभार सच्चा होता है और कभी कभार बिल्कुल भी नहीं होता और हम इस गेम में फंसे रहते हैं एज एक्टर्स. एंड आई थॉट जब मैं एक बहुत बड़े स्टार का की लाइफ को यू नो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो उस बात को मुझे थोड़ा अंडरलाइन करना चाहिए. और वो मैंने हर सीन में दो अलग प्रिंस बनाने की कोशिश की, एक वो जो ऑन स्क्रीन परफेक्ट है और एक वो जो ऑफ स्क्रीन बिल्कुल भी परफेक्ट अलग एक दुनिया है, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है. तो वो दो कैरेक्टर्स हर सीन में बनाकर चलना पड़ा और बहुत मजा है. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जो थोड़ा सा स्कैंडलस भी हो सकता है, कोई एक ऐसा स्कैंडल जो आपने अपने करियर में मेबी योर कलीग्स फेलो एक्टर्स आपने कुछ विटनेस किया हो जो आपको लगा हो कि दिस वाज लाइफ शेकिंग फॉर मी? नहीं ऐसा कोई, आई बीन लकी, ऐसा कुछ नहीं. लिंकअप्स विद को एक्टर्स या एक्ट्रेसेस, पर वो भी मैं शुरू से ही बेशर्म था ना. जो मेरी गर्लफ्रेंड थी मैं ऐसे कमर पे हाथ रख के या हाथ पकड़ के घूमता था साथ साथ में, फिर बहुत इस बारे में चर्चा हो जाती थी, फिर उनकी आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड से कंपैरिजन होता था. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये नहीं करना चाहिए मुझे, बिकॉज मेरे लिए तो फिर भी ठीक है, उनके लिए अनफेयर हो जाता है. बिकॉज मेरी जो भी पुरानी जिनके साथ भी मेरा नाम जोड़ा गया उनकी एक लिस्ट में एक नाम ऐड कर दिया जाता है और कभी उनकी सुंदरता का या कभी जोड़ी का या कभी केमिस्ट्री का ऐसे कंपैरिजन करते हैं और वो फिर अच्छा नहीं होता. तो फिर इस पॉइंट के बाद मैंने दूरी बना ली, किसके साथ हूँ और कितना साथ हूँ और कितना करीब हूँ ये बताना बंद कर दिया और अब वो वैसा ही रहेगा. सो दैट वाज गौरव चोपड़ा विद अस अगेन. हमें सक्सेस तो दिख ही रही है आपके चेहरे पर, खुशी भी दिख रही है मुझे और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चाहे OTT हो TV हो फिल्म हो हम आपको देखते रहें अलग अलग रोल्स में. नहीं यही कोशिश रहेगी और हमेशा हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि ऑडियंस बस एक ही उम्मीद रखे मुझसे कि जो भी मैं करता दिखूँ वो सच्चाई से करता दिखूँ. आप प्यार बरकरार रखिए बस.